हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड टेक विद आरपी। और आज हम टॉर ब्राउज़र क्या है उसके बारे में बात करेंगे और टॉर ब्राउज़र को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉलेशन के वक्त कौन सी चीज़ों से हमें अवेयर रहना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टॉर ब्राउज़र क्या है। टॉर ब्राउज़र एक ऐसा वेब ब्राउज़र है जो आपको इंटरनेट पर एनोनिमसली सर्व करने की सुविधा प्रदान करता है। टॉर का मतलब द ऑनियन राउटर है, जो कि एक नेटवर्क है जो आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल को हाइड रखता है। तो देखते हैं कि टॉर ब्राउज़र कैसे काम करता है। टॉर ब्राउज़र काम करते समय यह आपके इंटरनेट ट्रैफिक को कई डिफरेंट टॉर सर्वर के माध्यम से रूट करता है, जिन्हें ऑनियन शेप में प्रेजेंट किया गया है। यह आपके ट्रैफिक को बार बार रूट करता है, जिससे कि आपके आईपी एड्रेस को ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इससे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। तो अब हम टॉर ब्राउज़र को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। तो टॉर ब्राउज़र को इंस्टॉल करने से पहले आपके लैपटॉप या पीसी में कौन सा भी एंटीवायरस इंस्टॉल होना मैंडेटरी है। जैसे कि मेरे पास मैकैफे का एंटीवायरस है, तो आपके पास भी कौन सा मैकैफे का आप ले सकते हो या फिर क्विकल का ले सकते हो। कौन सा भी एंटीवायरस आपके लैपटॉप में होना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्रोम पे जाके यहाँ पे सिंपली टॉर ब्राउज़र डाउनलोड टाइप करना है और इंटर की प्रेस करना है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.torproject.org, तो इस पर हमें क्लिक करना है। होम पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिखेंगे, डाउनलोड फॉर विंडोज़, डाउनलोड फॉर मैक, लिनक्स और एंड्रॉयड। तो इसमें से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अनुसार आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मेरा विंडोज़ के लिए तो मैं यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउनलोडिंग चालू हो गई है। तो ये 99 MB का ब्राउज़र है, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोडिंग के लिए। तो यहाँ पे टॉर ब्राउज़र डाउनलोड हो चुका है, तो इसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है इंग्लिश। आप कौन से भी लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आपको लोकेशन दिखा रहा है, तो मैंने डेस्कटॉप में टॉर ब्राउज़र को डाला है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको टॉर ब्राउज़र ओपन करना है, और ओपन करते ही आपको यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल्स दिख रहे होंगे, तो उसमें आपको सेफेस्ट सिक्योरिटी लेवल सिलेक्ट करना है। टॉर ब्राउज़र का जो फोल्डर है उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको स्टार्ट द ब्राउज़र पे जाना है। यहाँ पे क्लोज द ब्राउज़र करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपका टॉर ब्राउज़र का सर्च इंजन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे google.com डालता हूँ। तो यहाँ पे गूगल की साइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें गूगल का होम पेज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं एनोनिमसली। तो यहाँ पे आप आईपी एड्रेस भी देख सकते हो, यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज होता हुआ आपको नज़र आ, तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। तो सबसे पहले नीदरलैंड का आईपी एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, बाद में फिनलैंड का और जर्मन का। तो इसी तरह से आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है, जिससे कि हम एनोनिमसली सर्च कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो साइट्स रहते हैं, जैसे कि कई सारे कंट्रीज़ में कुछ वेबसाइट्स बैन होते हैं, तो वो भी हम
टॉर ब्राउज़र के थ्रू ओपन कर सकते हैं, या फिर टॉर मैसेंजर के थ्रू हम एनोनिमसली चैट कर सकते हैं, जिससे जो हमारी प्रोफाइल है वो एनोनिमसली रहती है और किसी को दिखाई नहीं पड़ते। तो टॉर ब्राउज़र को इंस्टॉल करने से पहले आपके लैपटॉप या पीसी में कौन सा भी एंटीवायरस इंस्टॉल होना मैंडेटरी है। जैसे कि मेरे पास मैक कैफे का एंटीवायरस है, तो आपके पास भी कौन सा मैक कैफे का आप ले सकते हो, या फिर क्यूकिल का ले सकते हो, कौन सा भी एंटीवायरस आपके लैपटॉप में होना चाहिए। और टॉर ब्राउज़र को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप विंडोज़ आर करके यहाँ पे कमांड दे सकते हो, MRT पे आप क्विक स्कैन करके ये चेक कर सकते हो कि आपके पीसी या लैपटॉप में कौन सा मालिशियस सॉफ्टवेयर है कि नहीं, या फिर कौन सा वायरस है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको सिंपली जाके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे स्कैन करेगा कि आपके पीसी में या फिर लैपटॉप में कौन सा मालिशियस सॉफ्टवेयर है कि नहीं। तो ये आप टॉर ब्राउज़र को इंस्टॉल करने के बाद कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।